नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ है आइशर का 3019 प्रो ट्रक। ये खासकर 32 फीट में आने वाला एक ट्रक है और 32 फीट का ये बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है, लाइट वेट एप्लीकेशन है, उनके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। 18.5 टन यानी कि 18,500 किलोग्राम के ग्रॉस व्हीकल वेट के साथ आता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प, यहाँ पर इंडिकेटर है और फ्रंट साइड में मिलता है आइशर का खूबसूरत ये काउल। इसी के साथ साथ देख सकते हैं काफी हेवी यहाँ पर बम्पर लगा हुआ है। इस गाड़ी की जो बॉडी है दिल्ली में बनाई गई है। कैबिन के सेफ्टी के लिए यहाँ पर जाली वगैरह दी गई है। इस ट्रक के टायर्स की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 295/90 R215 सेक्शन के टायर्स और फ्रंट एक्सल पर दिए गए आपको लिफ्ट स्विंग सस्पेंशन यानी कि कमानी पाटा सस्पेंशन। इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं इसकी जो कंटेनर बॉडी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये 32 फीट में आने वाला एक ट्रक है दोस्तों। 32 फीट सेगमेंट का काफ़ी मशहूर ट्रक है, खासकर इसे मतलब जो लाइट वेट एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मतलब जिनका साइज बड़ा होता है पर वेट कम होता है, उनके लिए काफ़ी ये बढ़िया हो सकता है। खासकर हम माने वेफर्स वगैरह हो गए, FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए ट्रक काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। यहाँ पर साइड में आपको साइड अंडर आर्म प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से अगर कोई साइड में बाइक वगैरह आती है तो यहाँ पर अंदर जाने का कोई धोखा नहीं रहता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। आइशर मोटर्स ने इसमें 180 HP का इंजन दिया है, जो एक हाईवे एप्लीकेशन के लिए ट्रक काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। ये है इसका रियर एक्सल, ये 32 फीट में तो आती है और इसका जो ओवरहैंग एक्सपांशन है यहाँ पर देख सकते हैं, फिर लंबा इसका ओवरहैंग यहाँ पर बनाया गया है। तो ये है इसका शानदार रियर लुक। रियर लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, फुल्ली सील्ड है, क्योंकि जो कंटेनर वगैरह होते हैं इनको एक लॉक लगाया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि चोरी वगैरह ना हो, सेफ्टी के लिए काफ़ी मतलब इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इस गाड़ी के रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो ये देखिए इस प्रकार है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने माउंटिंग की है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैम्प्स। आइशर ने अपने ट्रक्स में, बसेस में LED टेल लैम्प्स को इंट्रोड्यूस किया है, और खासकर भाई साहब ट्रक्स में जो LED टेल लैम्प्स है वो काफ़ी दूर से दिख जाते हैं। रियर अंडर आर्म प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको एडिशनल गार्ड भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अगर पीछे से कोई इम्पैक्ट आता है तो इसमें ना हो, मतलब गाड़ी को ज़्यादा अंदर ना घुसे और गाड़ी की भी सेफ्टी बनी रहे, और जो गाड़ी मतलब अगर टकराती है एक्सीडेंटली तो उसकी भी सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे। ये इसका क्लीनर साइड लुक। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो इसमें 440 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, मतलब इसमें 440 लीटर तक फ्यूल आ जाता है। और बात कर ले इसके एडब्ल्यू टैंक की, तो ये लगभग 30 लीटर का एडब्ल्यू टैंक इसमें दिया गया है। ये गाड़ी 100 लीटर पर 3 लीटर एडब्ल्यू मतलब कंज्यूम करती है। यहाँ पर इसमें मिलता है आपको न्यूमेटिक सिस्टम और साथ ही साथ इसमें 24 वोल्ट बैटरी सेटअप लगा हुआ है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वाह कैब। वाह कैब की मदद से आप अपने ट्रक, ट्रेलर, टैंकर और टिपर के लिए बड़ी आसानी से लोड बुक कर सकते हैं, वो भी 0% कमीशन पर। वाहक ऐप को 10 लाख से ज्यादा ट्रांसपोर्टर भारत में यूज करते हैं, आप भी इसे यूज करके अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं इसका शानदार कैबिन, काफी बेहतरीन यहाँ पर कैबिन बनाया गया है और काफी खूबसूरत काम यहाँ पर किया गया है। देख सकते हैं पूरा कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें देख सकते हैं आइशर का ये लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल रहा है, और यहाँ पर लगा हुआ है आइशर का 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर की कंट्रोल है, एग्जॉस्ट ब्रेक का कंट्रोल है, और यहाँ पर हजार्ड लैंप का बटन दिया गया है। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल। इसी के साथ साथ स्पीडोमीटर की बात कर ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले, तो यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है, यहाँ पर RPM गेज है, और यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज आपको दिया गया है। इस प्रकार ये ऑन होता है सब कुछ, आप इसमें गेजेस वगैरह चेक करवा सकते हैं। देखिए बहुत शानदार, एडब्ल्यू कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी दिखता है, और अभी एडब्ल्यू कितना मौजूद है ये भी दिख सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रीजनरेशन का बटन, यहाँ पर पावर मोड और इको मोड का कंट्रोल है, यहाँ पर इको प्लस का बटन है, यहाँ पर फॉग लैंप का कंट्रोल है, और यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन आपको दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें आपको मिलता है 7-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब कि फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर 7 गियर है और रिवर्स के लिए 1 गियर यहाँ पर दिया गया है। और मंजीत भैया ने देखिए म्यूजिक सिस्टम वगैरह काफ़ी बढ़िया इसमें इंस्टॉल किया है, माइक्रो का ये म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और ये मंजीत भैया, हेलो भैया, हेलो हेलो, ओके। और देख सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पर गद्दे वगैरह लगे हुए हैं, एकदम कैबिन घर जैसा सेटअप इन्होंने बनाया। ट्रक वालों की जिंदगी यही होती है, क्योंकि उनको मतलब घर से ज़्यादा ये ट्रक में रहते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर फैन वगैरह लगा हुआ है, स्लीपिंग बर्थ है, मतलब यहाँ पर आराम से 2-3 लोग सो सकते हैं, इतनी यहाँ पर जगह है भाई। और यहाँ पर ब्लोअर दिए गए आइशर के द्वारा, यहाँ पर ब्लोअर है जिसमें नॉब है। ओके, तो मंजीत भैया एक बात बताइए कि ट्रक में AC होना फायदेमंद है कि नहीं? देखो भैया, अभी AC होना क्या फायदेमंद है, जैसे अगर गाड़ी में हमारी AC होगी तो मैं अगर AC चलाऊंगा तो मुझे नींद भी आ सकती है। अच्छा, जो भी कंपनी दे रही है सही है, अपने लिए फिट है एकदम।
कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रक में एसी जरूरी है, जो लंबी ड्राइव करते हैं दिक्कत होती है थोड़ी चलाने में, गर्मी ज़्यादा लगती है, उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे रात में सोते हैं तो चलाने को अवेलेबल रहे, ये ठीक है। अच्छा। परमानेंट नहीं, मतलब परमानेंट चलाएंगे तो हमें नींद आएगी गाड़ी। अच्छा, ठंडा रहेगा मुख्य केबिन तो नींद आएगी। धूप के समय में आपको थोड़ी गर्मी लगती होगी, तो वहाँ पर एसी का फायदेमंद है? हाँ, एसी वहीं पे फायदेमंद है। जैसे अब हम इधर साउथ की तरफ आए, तो इधर थोड़ा एसी ज्यादा है, हम उधर जम्मू कश्मीर चलते हैं तो उधर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर तो बर्फीला एरिया है अपना। अच्छा, इधर ही है, बाद बाकी कंपनी ने दे रखा है ब्लोवर है, यही चला लेते हैं सोने के टाइम पे, अपना पंखा चला लेते हैं। अच्छा, और इसकी पासिंग 18.5 टन की है, 18.5 ग्रॉस व्हीकल वेट जीवीडब्ल्यू, 18.5 पासिंग करती है। अच्छा, और भैया अभी इसमें माल वगैरह कौन सा होता है, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, फूड प्रोडक्ट वगैरह लेके जाते हैं? हाँ, फूड प्रोडक्ट ही चलते हैं ज्यादातर अपना, अंडरलोड, हाँ, नमकीन वगैरह है, बिस्किट है। अच्छा, यही सब चलते हैं। अच्छा भैया, और अभी देखिए भैया बहुत दूर से ड्राइविंग करके, शायद दिल्ली से आए हो ना? मैं नोएडा से आ रहा हूँ। अच्छा, नोएडा से, नोएडा से अभी मुंबई जाओगे आप? मुंबई। ओके, नोएडा से मुंबई जा रहे, तो चलिए अभी उनका तो मतलब निकलने का टाइम था, पर उन्होंने हमें टाइम दिया, थैंक यू मंजीत भैया, थैंक यू सो मच। और वाइपर का सेटअप है, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 इसे 3 स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अपर साइड में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम हुआ है, कंप्लीट वर्क जो है अच्छा खासा यहाँ पर सनमाइका लगा हुआ है, और ये 3D कैबिन है शायद से ना, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। कलर कॉम्बिनेशन में नंबर 1 लगा, क्योंकि ब्राउन, ग्रीन, रेड, ये जो मतलब अपोजिट शेड है ना, जिसकी वजह से एक अलग ही लुक यहाँ पर बन रहा है। और ये क्या है भैया, DC कन्वर्टर क्या है? ये कन्वर्टर रखा है, ये मतलब यहाँ लगाने को था, मैंने बाहर रख लिया, अभी फिलहाल लगाया नहीं। अच्छा, कन्वर्टर है मोबाइल चार्जिंग के लिए, ये देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर DC कन्वर्टर लगा हुआ है, और कंप्लीट जो व्यू है कैबिन का इस प्रकार आता है। तो हमारे साथ है मंजीत भैया, नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल में। नमस्कार भाई साहब। ओके, तो सबसे पहले बताइए ये गाड़ी चलाने के लिए कैसी है? भाई साहब, गाड़ी चलाने के लिए एकदम स्मूथ है, मतलब कोई वैसा अपना दबाव नहीं है, कार की तरह चलती है बिल्कुल। ओके, हाँ। और इसमें जो क्रूज कंट्रोल वगैरह फीचर दिया गया है, स्पीड लॉक का जो फीचर दिया गया है, वो आप सच में यूज करते हो? हाँ, यूज कर लेते हैं, वो भी कभी कभी जैसे चलते हैं हाईवे पे तो कर लेते हैं कंटिन्यू, जब चलना हो 60-40 चलना होगा तो चल रहा हूँ बराबर। और ये माइलेज कितना देती है भैया? लोड गाड़ी जैसे वजन के हिसाब से, हम अगर फुल गाड़ी लोड करके चलते हैं तो 4.5-5 का माइलेज, और खाली गाड़ी पे 5.5-6 का दे देती है। बात है, चलाने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले आपने कौन सी कंपनी गाड़ी चलाई भैया? मैं लीलैंड की चला रहा था, अशोक लीलैंड की गाड़ी। यही गाड़ी 32 फीट? हाँ, 32 फीट में। ओके, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस लगता है? उसमें क्या है कि उसमें हम गाड़ी चलाते चलाते थक जाते हैं, हमारे जो कंधे होते हैं दर्द कर जाते हैं, इसमें हमें दर्द नहीं महसूस होता बिल्कुल। अच्छा, एकदम स्मूथ चलती है, बिल्कुल कार की तरह चलती है गाड़ी हमारी, ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ सही है इसका। अच्छा, और ये 32 फीट की गाड़ी है मंजीत भैया, तो ये टायर वगैरह ज़्यादा खाती है? नहीं, अभी तक तो टायर पीछे का नहीं, अगर खाएगी तो रेडियल टायर है, जैसे आगे का थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। अच्छा, बाद बाकी पीछे से हमें दिक्कत नहीं होती। ओके, पीछे दिक्कत कोई नहीं होती है। और आयशर वालों की सर्विस वगैरह कैसी है? आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। सही है सर्विस, टाइम से ही, मतलब जैसा भी है सही है, क्योंकि टाइम टाइम से जहाँ कहीं दिक्कत होती है तो वो पहुँच जाते हैं वहाँ। अच्छा, कॉल करो उनको, टेलको वालों को, तो पहुंच जाते हैं टाइम। पार्ट वगैरह मिल जाते हैं इनके? हाँ, पार्ट मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों यही था आयशर 3019 के बारे में, और साथ ही साथ हमें मंजीत भैया भी मिल गए बहुत अच्छे आदमी भाई, और खासकर इन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया आयशर के बारे में, क्योंकि आयशर की गाड़ियों के बारे में मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर इनकी तरफ से अच्छा फीडबैक मिला, थैंक यू भाई, मेरे को तो बिल्कुल सही है। ओके, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।